नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए और इन चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। जहां पर ग्राम पंचायत के चुनाव में कांटे की टक्कर थी, लेकिन ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बिल्कुल एक तरफा तरीके से भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। कुल 825 ब्लॉक प्रमुख के चुनाव थे, इसमें से बीजेपी को 626 सीटें मिली है। वहीं भाजपा की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी पार्टी समाजवादी पार्टी के कब्जे में महज 98 सीट गई है और बाकी सारी 101 सीटें अन्य के खाते में चली गई है, जिसमें बसपा, कांग्रेस और निर्दलीय शामिल है। कांग्रेस का तो लगभग सूपड़ा ही साफ हो गया। बसपा को कुछ सीटें मिली, लेकिन निर्दलियों ने बसपा और कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती है। आइए बात करते हैं जिले वाइज कि किस जिले में किस पार्टी के ज्यादा ब्लॉक प्रमुख बने हैं। तो ऐसे में इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको एक अच्छी जानकारी मिल रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। और कमेंट बॉक्स में इन नतीजों पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं संपूर्ण नतीजे। अब आप अपने सामने उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। तो लखनऊ का जो यहाँ पर रिजल्ट है वो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। लखनऊ के अंदर कुल 8 ब्लॉक है और इन 8 ब्लॉक में से भाजपा ने 7 ब्लॉक पर जीत दर्ज की है और एक पर अन्य जीता है। मऊ की बात करें तो मऊ के अंदर कुल 9 ब्लॉक है, 9 में से भाजपा ने 5 पर जीत दर्ज की है, समाजवादी पार्टी ने 1 पर और अन्य ने 3 पर जीत दर्ज की है। इटावा की बात करें तो इटावा में कुल 8 ब्लॉक है, जिसमें से भाजपा ने 1, समाजवादी पार्टी ने 4, अन्य ने 3 ब्लॉक जीते हैं। यहां पर भाजपा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। अगर हम आगे आगरा की बात कर ले तो आगरा के अंदर कुल 15 ब्लॉक है और आपको बता दें इन 15 में से 15 ब्लॉक पर भाजपा की जीत हुई है। वाराणसी के 8 ब्लॉक की बात करें तो यहां पर 5 पर भाजपा और 1 पर अन्य जीता है। वहीं अगर बिजनौर की बात कर ले तो बिजनौर में जो 11 ब्लॉक है, इसमें से 10 पर भाजपा जीती है और 1 पर अन्य को जीत हासिल हुई है। बाकी अगर हम जालौन की बात कर ले तो जालौन के अंदर भी आप देख पाएंगे जो 4 ब्लॉक है, यहां पर 2 ब्लॉक पर भाजपा जीती है, 1 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर अन्य को जीत हासिल हुई है। औरैया की बात कर ले तो औरैया में कुल 7 ब्लॉक है, जिसमें से भाजपा 5 पर जीती है, वहीं अन्य 1 पर और समाजवादी पार्टी को भी 1 पर जीत हासिल हुई है। बाराबंकी की बात कर ले, बाराबंकी जिले में कुल 15 ब्लॉक है, जिसमें से भाजपा 9 ब्लॉक में, वहीं 4 ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी के बने हैं और यहां पर 2 ब्लॉक प्रमुख अन्य के बने हैं। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में कुल 8 ब्लॉक है, जिसमें से 6 ब्लॉक पर जीत हासिल हुई है भाजपा को, 1 पर अन्य को और 1 पर समाजवादी पार्टी को। चंदौली की बात करें तो चंदौली के अंदर कुल 9 ब्लॉक है, जिसमें से भाजपा ने 8 ब्लॉक जीत लिए हैं, वहीं 1 ब्लॉक गया है यहां पर खाते में समाजवादी पार्टी के और कोई अन्य के खाते में ब्लॉक नहीं गया है। गोंडा की बात करें तो यहां पर कुल 15 ब्लॉक है, जिसमें से 14 भाजपा ने जीत लिए हैं और 1 ब्लॉक जो कि खाते में गया है समाजवादी पार्टी के। गोरखपुर की बात कर ले तो गोरखपुर में कुल 20 ब्लॉक है, जिसमें से 18 ब्लॉक पर भाजपा जीती है और 2 पर अन्य। गाजियाबाद में बात करें तो गाजियाबाद में 4 ब्लॉक है और 4 में से 4 भाजपा ने जीत लिए हैं। कौशाम्बी की अगर बात की जाए तो कौशाम्बी में कुल 8 ब्लॉक है, जिसमें से 5 ब्लॉक जीते हैं यहाँ पर बिल्कुल भाजपा ने और 2 जीते हैं समाजवादी पार्टी ने और 1 ब्लॉक गया है यहाँ पर अन्य के खाते में। मुजफ्फरनगर की बात कर ले तो मुजफ्फरनगर में कुल 9 ब्लॉक है, जिसमें से 8 ब्लॉक भाजपा के खाते में चले गए हैं, 1 ब्लॉक यहाँ पर गया है समाजवादी पार्टी के खाते में और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। अमरोहा की बात कर ले तो अमरोहा के अंदर कुल 6 ब्लॉक है, जिसमें से
तीन ब्लॉक पर भाजपा की जीत हुई है, एक ब्लॉक पर समाजवादी पार्टी और दो ब्लॉक पर अन्य जीते हैं। रामपुर की बात करें तो रामपुर में कुल 6 ब्लॉक है, जिसमें से 5 पर भाजपा को जीत हासिल हुई है, एक पर यहां पर अन्य जीता है और समाजवादी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुला है। अब अगर अमेठी की बात करें तो यहां पर कुल 13 ब्लॉक है, जिसमें से 5 पर भाजपा, 3 पर समाजवादी पार्टी और 5 पर अन्य जीते हैं, यानी कि यहां पर लगभग कांटे की टक्कर देखने को मिली है। बरेली की बात करें तो बरेली के अंदर कुल 15 ब्लॉक है, जिसमें से 11 पर भाजपा जीती है, 2 पर अन्य और 2 समाजवादी पार्टी के खाते में गए हैं। सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहां पर कुल 14 ब्लॉक है, जिसमें से 10 पर भाजपा, 2 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर यहां पर जीते हैं अन्य। मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में कुल 12 ब्लॉक है, जिसमें से 9 ब्लॉक पर भाजपा जीत गई है और 3 अन्य के ब्लॉक प्रमुख बने हैं और यहां पर समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। बांदा की बात करें तो यहां पर कुल 8 ब्लॉक है और 8 के 8 ब्लॉक यहां पर चले गए हैं भाजपा के खाते में, यानी कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके साथ यहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। कानपुर देहात की बात कर ले तो कानपुर देहात के अंदर कुल 10 ब्लॉक है, जिसमें से 6 पर भाजपा जीती है, 1 पर समाजवादी पार्टी और 3 पर अन्य जीते हैं। बदायूं की बात कर लेते हैं, ये एक ऐसा जिला रहा जहां पर 15 में से 15 ब्लॉक भाजपा के खाते में चले गए, यानी कि 15 ब्लॉक प्रमुख भाजपा के बन चुके हैं, 15 ही ब्लॉक प्रमुख भाजपा के। समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस और निर्दलीय का यहाँ पर खाता नहीं खुला। कासगंज की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 ब्लॉक है, जिसमें से 6 ब्लॉक पर यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है भाजपा ने, 1 ब्लॉक चला गया है समाजवादी पार्टी के खाते में, बाकी बसपा और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर भी कुछ लगा नहीं। वह अगर ललितपुर की बात कर ले तो ललितपुर में कुल 6 ब्लॉक है और 6 के 6 ब्लॉक भाजपा के खाते में चले गए हैं, बसपा, सपा और कांग्रेस को यहां पर भी निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। कुशीनगर की बात करें तो यहां पर 14 ब्लॉक है और इसमें से 12 ब्लॉक भाजपा ने जीत लिए हैं, समाजवादी पार्टी ने 2 ब्लॉक मिले हैं और यहां पर भी वही हाल कांग्रेस का और बसपा का। बस्ती की बात करें तो बस्ती में 14 ब्लॉक टोटल है, जिसमें से 12 ब्लॉक पर जीत हासिल की है भाजपा ने, 1 पर अन्य ने और 1 पर यहां पर समाजवादी पार्टी ने। एटा की बात करें तो एटा में कुल 8 ब्लॉक है, जिसमें से 6 पर भाजपा और 2 पर समाजवादी पार्टी जीती है। संबल की बात करें तो संबल में कुल 8 ब्लॉक है, जिसमें से 4 पर भाजपा, 3 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर अन्य जीता है। प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि मिर्जापुर की बात हमने पहले कर ली है। प्रतापगढ़ के 7 में से 7 ब्लॉक भाजपा ने जीत लिए हैं। झांसी की बात करें तो झांसी में कुल 6 ब्लॉक है, जिसमें से यहां पर 4 ब्लॉक जीत लिए हैं भाजपा ने और 2 ब्लॉक जीत लिए हैं समाजवादी पार्टी ने। वहीं अगर सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में कुल 10 ब्लॉक है, जिसमें से 7 ब्लॉक पर जीत हासिल हुई है यहाँ पर भाजपा को और 3 पर अन्य को, समाजवादी पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुला। आगे अगर हाथरस की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 7 ब्लॉक है, जिसमें से 3 पर भाजपा, 1 पर समाजवादी पार्टी और 3 पर अन्य जीते हैं। प्रयागराज की बात कर लेते हैं तो प्रयागराज के अंदर टोटल 21 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ब्लॉक, जिसमें से 11 पर भाजपा और समाजवादी पार्टी 10 पर जीती है, यानी कि यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। पीलीभीत की बात कर ले तो यहाँ पर कुल 7 ब्लॉक है और 7 ब्लॉक में से यहाँ पर 4 ब्लॉक जीत लिए हैं भाजपा ने और 3 अन्य के खाते में गए हैं। संत कबीर नगर की बात कर ले तो यहाँ पर कुल 9 ब्लॉक है, जिसमें से 8 ब्लॉक पर भाजपा और 1 ब्लॉक पर अन्य जीता है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने 1 ब्लॉक जीता है। मथुरा की बात अगर की जाए तो मथुरा के अंदर कुल 10 ब्लॉक है, 10 में से 4 पर यहां पर जीत गई है भाजपा, 1 पर समाजवादी पार्टी और 5 पर अन्य जीते हैं।
शाहजहांपुर की बात कर ले तो यहाँ पर कुल 15 ब्लॉक है और आपको आश्चर्य होगा कि 15 के 15 ब्लॉक बीजेपी के खाते में चले गए हैं। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव के अंदर कुल 16 ब्लॉक है जिसमें से 9 ब्लॉक पर भाजपा जीती है, 4 पर समाजवादी पार्टी और 3 पर अन्य जीते हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के तमाम ब्लॉक प्रमुख के नतीजों की बात की है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अभी लाइक करेगा और साथ ही ऐसे वीडियोज अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक और अन्य जानकारी के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।